साउथ के सुपरस्टार महेश बाबू के लिए ये साल बिल्कुल भी ठीक नहीं रहा। पहले उनके भाई की मृत्यु हुई, फिर उनकी माताजी की मृत्यु हुई और अब उनके पिताजी की मृत्यु। उन्होंने अंतिम संस्कार की प्रक्रिया जो है अपने पिताजी के लिए पूरी तरह से निभाई, लेकिन उसके बाद भी इस देश में कुछ ऐसे लोग हैं जो उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। इस वजह से कि महेश बाबू ने सारी प्रक्रिया तो निभाई अंतिम संस्कार की, लेकिन अपना मुंडन नहीं करवाया, अपने सर के बाल नहीं निकलवाए। अब आप सोच लीजिए कि एक इंसान उस दुख में है जहां उसका सब कुछ लूट गया, लेकिन यहां पर अभी भी कुछ लोग ये हैं कि भाई मुंडन क्यों नहीं करवाया। अब मुंडन ना करवाने की बहुत सारी वजह हो सकती है, मीडिया में भी तरह तरह की बातें चल रही है, उन्हीं बातों को मैं आपके सामने रखता हूँ। देखिए, हिंदू परंपराओं के अनुसार जब भी किसी की मृत्यु होती है तो परिवार के उस सदस्य को अंतिम संस्कार की प्रक्रिया के दौरान सिर का मुंडन करवाना होता है, लेकिन महेश बाबू ने ऐसा नहीं किया। मीडिया में ऐसी खबर चल रही है कि महेश बाबू किसी फिल्म के लिए कमिटेड हैं, तो अगर वो एक बार मुंडन करवा लेते हैं तो अगले 6 महीने तक बाल नहीं आएंगे और इस वजह से फिल्म में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। अब इसमें कितनी सच्चाई है वो तो मैं नहीं जानता, ये बात तो महेश बाबू ही जानते होंगे। दूसरी ये चीज चल रही है मीडिया में कि महेश बाबू ने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया था और जिस तरह से हेयर ट्रांसप्लांट करवाया वो बिल्कुल नेचुरल दिखता है और इस वजह से उन्होंने अपना मुंडन नहीं करवाया। अब इन दोनों ही खबरों में कौन सी खबर सच है, कौन सी खबर झूठी है, ये हमें बिल्कुल भी नहीं पता। मैं बस वही बता रहा हूँ जो इस वक्त सोशल मीडिया और मीडिया में चल रहा है। लेकिन ट्रोल करने वालों को ये समझना चाहिए कि एक इंसान ने इस साल अपने परिवार के 3 करीबी लोगों को, जो उसके दिल के कहीं ज्यादा करीब थे, उनके माताजी, पिताजी और भाई, ये तीनों का ही स्वर्गवास हो गया, उसके बाद भी आप उसे ट्रोल करोगे सिर्फ इस वजह से कि भाई हिंदू मान्यताओं का पालन नहीं किया, तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा। हर इंसान की अपनी अपनी बेबसी होती है। बाकी चीजों के लिए, आप फिल्म के लिए, एक्टिंग के लिए अगर आप किसी को ट्रोल करते हो तो समझ में आता है, लेकिन किसी के दुख पर आप ट्रोल करते हो, ऐसा दुख जहां से उसका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, तो इससे गलत कुछ हो ही नहीं सकता है। ये महेश बाबू की निजी राय है कि उन्होंने क्यों नहीं करवाया, उनकी अपनी राय होगी, शायद आने वाले समय में वो बता भी दे इसके बारे में, लेकिन आपका कोई हक नहीं होता है कि आप किसी के बारे में गलत बोले। सोशल मीडिया पर तरह तरह से लोग महेश बाबू को गालियां भी दे रहे हैं, बहुत ऐसी ऐसी बातें बोल रहे हैं जिसे आपको मैं यहां पर सुना नहीं सकता, लेकिन ये वो लोग हैं जो अक्सर इस वजह से ट्रोल कर रहे हैं क्योंकि महेश बाबू ने कहीं कभी बयान दिया था कि भाई मैं बॉलीवुड की फिल्मों में कभी काम नहीं करूंगा, और इसी बयान को लेकर आज भी महेश बाबू को ट्रोल किया जा रहा है। ये ऐसे लोग हैं जो इस इंतजार में बैठे रहते हैं कि कब सामने वाले के सर पर दुख आए और कब हम उसके ऊपर टारगेट कर सके। इस तरह का टारगेट करने वाले लोग बहुत ही कमजोर होते हैं, ये सच का सामना नहीं कर पाते हैं, खुद अपनी जिंदगी में ये क्या करते हैं इन्हें खुद नहीं पता होता है, लेकिन दूसरों को ट्रोल करना इन्हें बहुत अच्छी तरह से आता है। आप ट्रोल कीजिए एक्टिंग को लेकर, फिल्मों को लेकर, फिल्म कैसी बनी है, बुरी बनी है, सब बनी है। अगर बॉलीवुड में भी किसी के ऊपर इस तरह का दुख आए, अगर वो अपने सर नहीं मुड़वाता है तो वो उसकी निजी राय होगी, व्यक्तिगत राय होगी, उसके ऊपर बात नहीं करनी चाहिए। तो ये चल रहा है, अब क्या किसी को कह सकते हैं।